हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है देवर्षि मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया वीडियो जॉब प्रोफाइल ऑफ और डेस्क सपोर्ट इंजीनियर दोस्तों अगर आप एक आईटी हार्डवेयर और नेटवर्किंग के कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा ये जानने में कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर कौन होता है वो कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है और एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का रोल निभाने के लिए कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में आपके लिए नया क्या है सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एक जॉब प्रोफाइल क्या होती है वॉट इज अ जॉब प्रोफाइल जैसा कि किन्शन है अ जॉब प्रोफाइल इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जैक्ट टास्क इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर जॉब एंड ऑफ द स्किल्स एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी अ पर्सन वुड नीड इन ऑर्डर टू डू द जॉब दोस्तों जॉब प्रोफाइल एक तरीके का विवरण होता है जिसके द्वारा आपको ये पता चलता है कि आपको अपने जॉब में कौन कौन से कार्य करने हैं या आप कह सकते हैं कि आपके जॉब में कौन कौन से ऐसे ऐसे टास्क हैं जो आपकी जॉब का हिस्सा हैं ये आपको जॉब प्रोफाइल के माध्यम से पता चलता है और आपको अपनी जॉब को बेहतर तरीके से करने के लिए किस तरीके की स्किल यानी योग्यता अनुभव यानी एक्सपीरियंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की आवश्यकता होती है ये सब आपको जॉब प्रोफाइल के थ्रू पता चलता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और जानने की कोशिश करते हैं कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर कौन होता है दोस्तों जैसा कि यहाँ मेंशन है कि अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर सॉल्व द टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंप्यूटर यूजर एंड मेक्स अ कंप्यूटर यूजर कंफर्टेबल दिस जॉब रिक्वायर्स द असेंबली एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डेस्कटॉप्स कीपिंग ऑल सिस्टम्स अप टू डेट विथ पैचेज एंड सिक्योरिटी फिक्सिस एंड हेल्पिंग इन यूजर्स टू डू देयर जॉब मोर efficiently. दोस्तों एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर एक टेक्निकल प्रोफेशनल होता है जो कि कंप्यूटर में आने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और कंप्यूटर यूज़ करने वाले कंप्यूटर यूजर्स की या एंड यूजर्स की मदद करता है एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर को अपनी जॉब में असम्बलिंग एंड इंस्टॉलेशन का कार्य करना पड़ता है इसके साथ साथ उसको सिस्टम्स को पैचज़ एंड सिक्योरिटी फिक्स के साथ बराबर अपडेट भी रखना होता है और इंड यूज़र्स को उनके काम को बेहतर तरीके से करने में उनकी मदद करनी होती है दोस्तों अगर मैं बात करूँ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जॉब प्रोफाइल की मार्केट में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें चाहे आप रेलवे की बात करें बैंक की बात करें बीपीओ की बात करें सर्विस सेंटर की बात करें स्कूल्स की बात करें कॉलेजेस की बात करें यूनिवर्सिटीज़ की बात करें चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें डिफेंस की बात करें टेली इंडस्ट्री की बात करें ब्रॉडबैंड या आई प्रोवाइडर की बात करें हर जगह डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स की बराबर रिक्वायरमेंट्स रहती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन ऑफ अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर क्या है जैसा कि यहाँ पे मेंशन है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर परफॉर्म्स रोल्स ऑफ इंस्टॉलेशन डाइग्नोजिंग रिपेयरिंग मेंटेनिंग अपग्रेडिंग ट्रबल शूटिंग ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड पेरीफेरल इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग पी सी लैपटॉप्स टर्मिनल्स प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स टू इंश्योर ऑप्टीमल वर्क स्टेशन परफॉर्मेंस जी हाँ दोस्तों एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हार्डवेयर और जितने पेरीफेरल इक्विपमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग जैसे उसमें पी सी आता है लैपटॉप्स टर्मिनल्स प्रिंटर्स और स्कैनर्स के इंस्टॉलेशन डायग्नोजिंग मतलब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डायग्नोज करना रिपेयर करना मेंटेनेंस का अपग्रेडेशन का रोल भली ही निभाता है इसके अलावा अगर आप बात करें तो वो फोकस करता है इस चीज़ पे कि वर्क स्टेशन पे ये सारे सिस्टम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ जिससे ऑप्टिमम रिज़ल्ट यानी ऑप्टिमम आउटपुट निकले दोस्तों जैसा कि इसकी डेफिनेशन से बहुत क्लियर होता है कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बेसिकली इंस्टॉलेशन डायग्नोजिंग, रिपेयरिंग मेंटेनिंग, अपग्रेडिंग एंड ट्रबल शूटिंग का काम करता है व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर एंड ऑल द पेरीफेरल इक्विपमेंट्स जिसमें कि आपका प्रिंटर, स्कैनर्स मोडम बाकी सारी चीज़ें स्कैनर्स आते हैं तो काफ़ी हद तक अगर आप देख सकते हैं तो इंस्टॉलेशन डायग्नोजिंग रिपेयरिंग मेंटेनिंग अपग्रेडिंग एंड ट्रबल शूटिंग पे ज्यादा फोकस होता है ऑफ हार्डवेयर एंड पेरीफेरल इक्विपमेंट्स का चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानने की कोशिश करते हैं कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल के कौन कौन से लेवल्स होते हैं तो जैसा कि जैसे मेंशन है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट हिरार लेवल्स इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस द पोजीशंस आर डिडेड इंटू थ्री लेवल्स देखिए दोस्तों कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के हिरार लेवल्स होते हैं लेकिन यहाँ बेसिक बात करूँगा डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल पे तीन लेवल्स होते हैं एलवन एल टू एल थ्री अगर आप बात करें एलवन लेवल की तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर इस पे एज ट्रेनिंग बेसिकली ज्वाइन करता है जहाँ पे ही परफॉर्म्स बेसिक जॉब सच एज इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्पिंग आउट यूजर्स एंड असेंबलिंग कंप्यूटर ये बेसिक फंक्शन होता है इसके बाद की जो प्रोफाइल होती है दैट इज ऑफ एल टू फॉर सीनियर डेस्कटॉप इंजीनियर जहाँ पे इंजीनियर्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द कंप्यूटर नेटवर्क अप टू डेट विथ एसेंशियल सिक्योरिटी पैचेस इंटरेक्टिंग विद वेरियस वेंडर्स एंड परफॉर्मिंग स्मॉल टास्क ऑन द सर्वर देखिए दोस्तों लेवल वन प्रोफाइल हुई लेवल टू प्रोफाइल हुई इसके बाद लेवल थ्री प्रोफाइल आती है दैट इज ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर वेयर डस्ट ऑफ सपोर्ट इंजीनियर की अगर आप बात करें एल वन एल टू प्रोफाइल से फिर प्रमोट होकर वो एल थ्री प्रोफाइल पर पहुँचता है जहाँ पर वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनता है जहाँ पर उस इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द नेटवर्क रिलेटेड इशूज़ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर विद टास्क दैट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग टास्क ऑन द सर्वर एंड इंटरेक्टिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग चेंजेस और इफ द नेटवर्क इज बीइंग अपडेटेड विद क्रिटिकल चेंजेस व्हेन इट कम्स टू प्रोफाइल ऑफ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप देख सकते हैं कि यहां पे नेटवर्क रिलेटेड ज्यादा काम होता है और अगर आप बात करें तो कुछ क्रिटिकल चेंजेस आते हैं नेटवर्क में तो उससे रिलेटेड सारे इश्यूज एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर एंड यूजर को कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो सबसे पहला है इन पर्सन दैट मींस कि वो फिजिकली उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसके अलावा वो टेलीफोन पे भी बात करके अपने एंड यूज़र को सर्विस देता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसके अलावा ईमेल के थ्रू भी वो अपने एंड यूज़र की हेल्प करने की कोशिश करता है और फिर रिमोट सपोर्ट भी आता है जिसमें वो एक लोकेशन से बैठ के ही टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने एंड यूज़र को दोस्तों तो मैं बताना चाहूँगा डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल इन हाउस भी होती है और फील्ड भी होती है तो अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट इन हाउस डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की भी होती है और इन हाउस के अलावा फील्ड जॉब भी होती है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए जहाँ पे वो जाते हैं बाहर आउटडोर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फाइनली बात करते हैं उन टेक्निकल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जिसको एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर निभाता है फर्स्ट वन इज इंस्टॉल अपग्रेड सपोर्ट एंड ट्रबल शूट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंस्टॉलेशन अपग्रेडेशन सपोर्ट और ट्रबल शूटिंग एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर करता है सेकेंड वन इज़ ट्रबल शूट्स हार्डवेयर रिलेटेड इशूज़ ऑफ डेस्कटॉप लैपटॉप एंड पेरीफेरल डिवाइसेज़ जी जैसे कि हमने पहले बात करी हार्डवेयर रिलेटेड इशूज़ से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग करता है ट्रबल शूटिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी इन लैन वैन इन्वायरमेंट जितनी भी नेटवर्क uh, कनेक्टिविटी से रिलेटेड इशूज़ हैं लैन और वैन से रिलेटेड वो भी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर देखता है देन प्रोवाइड यूजर डेटा एंड एप्लीकेशन रिकवरी नेक्स्ट वन इज ई मेल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन ये भी एक टेक्निकल रोल आता है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के पास देन आउटलुक कन्फिग्रेशन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों जो भी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं आपको आउटलुक बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें देन प्रिवेंटिंग सिस्टम डाउन टाइम ये भी एक रोल uh, होता है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का देन रिमोट कंट्रोल सपोर्ट दोस्तों रिमोट सपोर्ट बहुत प्रोवाइड करना पड़ता है एक डेस्क सपोर्ट इंजीनियर को कई दफ़े तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से रिमोट सपोर्ट देना आना चाहिए नाइन्थ सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेनिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड पेरीफेरल डिवाइसेस तो बेसिकली ये टेक्निकल रोल्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर को चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे बात करते हैं नॉलेज की देखिए दोस्तों एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर को सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज होता है हार्डवेयर से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज होता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर फोकस करना चाहूँगा कुछ चीज़ों पर जैसे फर्स्ट वन इज नॉलेज अबाउट प्रोटोकॉल्स एंड ओ एस आई मॉडल ए ये इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक डिस्टर्ब सपोर्ट इंजीनियर को पता होना चाहिए दैन नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस लाइक राउटर्स स्विचेज एंड फायर वॉल्स नॉलेज ऑफ टी सी पी आई आई पी नॉलेज ऑफ सर्वर एंड क्लाइंट जैसे इसमें डी एन एस सर्वर है डी एस सी पी सर्वर है प्रॉक्सी सर्वर है एक्सचेंज सर्वर है दैन नॉलेज ऑफ पी सी हार्डवेयर नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज ऑफ आउटलुक जैसा कि मैंने पहले बताया नॉलेज ऑफ नेटवर्क यूज़र अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जो प्रोफाइल होती है वो इन सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नॉलेज के इर्द गिर्द घूमती है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखें और इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बहुत मेहनत से पढ़ें और जानने की कोशिश करें बिकॉज जब कभी भी आपका इंटरव्यू होता है तो मेक श्योर sure आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आप पहले से तैयार रहें मैं अदर स्किल्स रिक्वायर्ड की अगर बात करूं तो एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जैसा कि पहले, मैंने पहले बताया था इन हाउस भी काम करता है और बाहर भी जाके काम करता है दैट मीन्स आउटडोर प्रोफाइल भी होती है जहाँ पे वो कई सारे टेक्निकल क्लाइंट्स को जाके सपोर्ट देता है मार्केट में कंपनीज को जैसा कि यहाँ पर मैंशन है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जी यहाँ वर्बल एंड रिटेल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज आप बराबर क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं सामने बात करते हैं कभी कभार फ़ोन पे बात करते हैं ईमेल्स के थ्रू बात करते हैं सो दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स देन स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल्स मान लीजिए अगर आप टेलीफोनिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी तरीके की होनी चाहिए बिकॉज तभी आप किसी भी इशू को टेक्निकल इशू को रिजोल्व कर पाएंगे देन एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नए नए इशूज आएंगे जहाँ पे आपको एनालिसिस अच्छे से करना है और आपको ट्रबल शूट करना है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है देन कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स आपका आए दिन कस्टमर से इंट्रैक्शन होगा या तो आप फिजिकली मिलेंगे या तो आप ईमेल के थ्रू बात करेंगे नहीं तो आप फोन पे बात करेंगे सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वेरी गुड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आई होप मैंने डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने की कोशिश करी ऑल दो आई एम फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड बट मैंने एक ऑनेस्ट एफर्ट किया है जिससे आप में से मैक्सिमम लोगों की मदद हो सके अगर मेरे इन पे कोई कमी रह जाती है तो आई एम रियली सॉरी बट नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू Uh, improve myself. Thank you so much for watching this video. One thing I would like to say that you deserve better. What you need to do is you need to just move forward, you need to just chase your dream, and you just need to stay positive. Thank you so much, guys.